आपने बिहार के सासाराम की जनता की आवाज सुन ली। 4 जून को क्या होगा इसका आकलन भी कर लिया होगा, मगर सासाराम से सटी हुई सीट काराकाट की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई, क्योंकि वहां पवन सिंह ने निर्दलीय दावा ठोक दिया, जिन्होंने आसनसोल से बीजेपी का टिकट वापस कर दिया था। तो ऐसे में काराकाट किसे चुनेगा, जरा एक झलक उस पर। तो भाई सासाराम से ज्यादा दूर नहीं है डेहरी नगर थाना, जहां मैं खड़ी हूँ रोहतास जिला लगता है, लेकिन लोकसभा काराकट है। रोहतास का ही हिस्सा क्या था, सासाराम, अब काराकट। खास बात यह है कि पवन सिंह भोजपुरी स्टार यहाँ से निर्दल उम्मीदवार, जनता क्या बोलेगी, आपके यहाँ से पवन सिंह निर्दलीय उठे? पता है निर्दलीय उठे हुए हैं पवन सिंह जी, क्या हिसाब किताब है, किसका वोट काटेंगे? इनका काटेंगे, फतेह बहादुर जो खड़े हैं उन्हीं का कटेगा। स्थिति मजबूत है गठबंधन या फिर एनडीए? अभी तो यहाँ पे कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी को कोई भी कैंडिडेट को कोई वोट नहीं दे रहा है, मात्र मोदी को कोई दे रहा है जी। कैंडिडेट मान लीजिए कि काराकाट में है, काराकाट में कैंडिडेट को हम वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट देंगे। पवन सिंह किसका खेल बिगाड़ेंगे? आएंगे तो दोनों का खेल बिगाड़ेंगे। को जिताया जाएगा? हम लोग गठबंधन को जिताएंगे मैडम। इंडिया वाले एकदम, देखिए प्रोफेसर साहब हैं कह रहे हैं इंडिया वाले को, हम लोग वोट तो अपना है, हम तो कह दिए कि हम मोदी को दे रहे हैं। आप क्या सोच के इंडिया के साथ हैं? हम लोग सोच के इसलिए कि बहुत महंगाई चरण पर हो चुका है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, गठबंधन में हम लोग जाइबे करेंगे। पवन सिंह किसका खेला बिगाड़ेंगे? अब किसी का बिगाड़े, लेकिन हम लोग गठबंधन के साथ हैं। किसके साथ हैं भैया? बीजेपी के साथ आए हैं। अंकल किसके साथ हैं? बीजेपी। किसके साथ हैं? आरजेडी। इंडिया गठबंधन। पवन सिंह के साथ हैं हम लोग। किसका खेल बिगाड़ेंगे? ओ उपेंद्र कुशवाहा का और राजद का, दोनों का पत्ता तोड़ देंगे, कन्फर्म है। आने वाला समय में बीजेपी फिर से ज्वाइन करेंगे, जीतने के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। प्यारी जनता, काराकाट की जो राजनीति खेलिएगा उससे पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार है, क्या है इस बार समीकरण? फुल बहुमत पवन सिंह का बनने जा रहा है यहाँ से। उपेंद्र कुशवाहा और महाबली सिंह को हम लोग यहाँ पे सांसद बना के देख लिए। यहाँ के दर्शकों को बता दे, दिल्ली में बैठी जनता कहाँ जान रही होगी उपेंद्र कुशवाहा? हाँ उपेंद्र कुशवाहा बस जुट के अपना बस अपना पैकेट गर्म कर, बीजेपी के सांसद। हाँ स्टार पवन सिंह यहाँ से फुल बहुमत से अच्छे खासे, हम राजपूत कास्ट के हुए, 3.5 लाख प्लस यहाँ से वोट बैंक बन रहा है केवल क्षत्रिय का, और अदर कास्ट का छोड़ दीजिए, अब फुल पावर है पवन सिंह का बहुमत से भारी मेहनत से। उपेंद्र कुशवाहा महाबली सिंह का कुछ यहाँ नहीं होने वाला। काराकट की जनता क्या जानती है? काराकट की जनता कहाँ जानेगी, अब तक गायक विधायक बन जाए तो बढ़िया ना है। किधर ज्यादा पड़ेगा भैया, कुछ लोग कह रहे हैं पवन सिंह जीत के बीजेपी में चले जाएंगे। जीत जो है उनकी सुनिश्चित है, तय। बाकी वो जो आपको गठबंधन इंडिया एनडीए वाले नहीं समझ में आ रहे? नहीं नहीं, वो हमको इसलिए जिताना है, हम लोगों को काराकाट की जनता को इसलिए जिताना है कि वो जीतने के बाद मोदी जी के पास जाएंगे जी, ये कन्फर्म है। तो मोदी जी का कैंडिडेट तो सीधे लड़ रहा है, उसको कहा नहीं जीता? कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, उनको कहा नहीं जीता? क्षेत्र में काम नहीं कर पाए नहीं जी, महाबली थे उसके पहले, वो नहीं कर पाए, इसलिए मैं पवन सिंह को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हम लोग गठबंधन है आरजेडी लालू के समर्थन, समझिए ना, और राजा राम यहाँ से जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। कहने का मतलब है हमारा वोट तो चाहेगा राजा राम में। आरजेडी? आरजेडी तय है, एकदम तय है। जात पात वजह है? नहीं नहीं मैडम, मतलब हम लोग वही है आरजेडी, वही है। हाँ जी। हाँ भैया आप कौन से वाले? हम लोग आरजेडी में देते हैं। आरजेडी वाले हैं जी। क्या है स्थिति? ओ देखिए शुरू से हम लोग उन्हीं को वोट देते आए हैं, इसलिए हम। आप भैया? पवन सिंह। नहीं सिंबल भी नहीं? नहीं सिंबल मैटर नहीं करता, हमें एक सिंगर चाहिए जो हमारे क्षेत्र में काम करे, युवा है बस। उपेंद्र कुशवाहा 5 साल यहाँ से सांसद रहे, क्या किए? कुछ नहीं किए। महाबली सिंह 10 साल सांसद रहे, क्या किए? कुछ नहीं किए, इसलिए पवन सिंह को देंगे। पवन सिंह जीतेंगे, अच्छे हैं, विचार व्यवहार से अच्छे हैं। प्रधानमंत्री के बनी? प्रधानमंत्री उनके सहयोगी बनेंगे जो होंगे उनके। कौन है? कौन है तो अब नरेंद्र मोदी जी हैं। वही रहेंगे, कोई और चाहिए? नहीं वही रहेंगे। मोदी जी ठीक लग रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं? नहीं नहीं ठीक लग रहे हैं, सब ठीक है। आपको कौन पसंद है? वही बीजेपी। बीजेपी पवन सिंह किसका खेल बिगाड़ेंगे? उपेंद्र कुशवाहा का।
अरे हम लोग सपोर्टर हैं पवन का, लेकिन पवन सिंह उम्मीद कम है आने का, यहाँ बिगड़ेगा कुशवाहा का वोट। बीजेपी के कैंडिडेट, कैंडिडेट से मतलब नहीं है, बीजेपी को देखकर कोई वोट दे रहा है, लेकिन कुशवाहा का वोट के नाम से नहीं आएगा। कुछ अभी ठीक नहीं है, कौन ठीक है? राहुल गांधी, मोदी जी? मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, राम मोदी ठीक है। लालू के लड़के तेजस्वी, वो भी ठीक है। दोनों कैसे जीते? मोदी जी। तो भाई ये काराकट की जनता है और जानती है कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उससे पहले चुनाव में किसके साथ जाना है, और शॉपिंग करते खाते पीते लोगों से पता तो लग ही रहा है। कौन जीत सकता है आपके हिसाब से? हाँ, जीत सकता है जदयू है। इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन नीतीश और मोदी जी के साथ जो कैंडिडेट। आपको पसंद है पवन? हाँ, पवन सिंह गायक है, ये तो पसंद नहीं है। से खड़े हो रहे जी? हमारे कार्यकाल से खड़ा लग रहा है। ठीक है, किसका खेल बिगाड़ेंगे? उपेंद्र कुशवाहा बिगाड़ेगा। जीतने का चांस है उनका? ना, उम्मीद तो कम रखी है, राजा में महत्व का चांस। के लिए बिगड़ी है? हाँ, बस के लिए बिगड़ी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।